हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। आज हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड चैप्टर, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी का लास्ट पार्ट, दैट इज़ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। देखो, इस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी के मीनिंग को एक लिमिटेड सेंस में कंसिडर किया है। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ हमने डेमोक्रेसी को एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में समझा है। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव। ये जो तरीका है डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का, इससे हमें मिनिमल फीचर्स का सेट मिलता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आर टाइम्स इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आजकल जो डेमोक्रेसी की कॉमन फॉर्म है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? देखो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर हम लीडर को चुनते हैं और चुने हुए लीडर हम पर रूल करते हैं। You have already read about this in previous classes. आपने previous classes में भी पढ़ा होगा इनके बारे में। In the countries we call democracy, all people do not rule. अब देखो, जिन countries को हम democracy बुलाते हैं वहाँ पर सारे लोग शासन नहीं करते। A majority is allowed to take decision on behalf of all the people. एक majority को allow किया जाता है जो फैसले लेती है सभी लोगों के behalf पर। Even the majority does not rule directly. यहाँ पर majority directly rule नहीं करती है। The majority of people rule through their elected representatives. जो majority rule करती है वो through their elected representatives means जो लोग चुने गए हैं उनके द्वारा वो rule करती है। This becomes necessary because ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. देखो, आज की डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। वो फिज़िकली इकट्ठे बैठ करके कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। क्लियर? ये इम्पॉसिबल होता है उन लोगों के लिए कि सब लोग इकट्ठे बैठकर, देखो सारा देश एक साथ बैठकर एक फैसले को नहीं कर सकता है। कुछ लोग देश के बिहाफ पर सेलेक्ट किए जाते हैं, वो डिसीजन लेते हैं जो सब लोगों पर लागू होता है। Even if they could, the citizen does not have time, the desire and skills to take part in all the decisions. अगर हम ऐसा कर भी दें तो भी जो citizens होते हैं उनके पास ना तो time है decision लेने का, ना ही उनका कोई interest है और ना ही उनके पास skills हैं। This gives us a clear but minimal understanding of democracy. इससे हमें एक basic understanding मिल जाती है democracy की। This clarity help us to distinguish democracies from non-democracies. इससे हम democracy government को non-democratic government से distinguish कर सकते हैं। But it does not allow us to distinguish between a democracy and a गुड डेमोक्रेसी। लेकिन इससे हम एक मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी को डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं। इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। ये हमें अलाउ नहीं करता है कि गवर्नमेंट के बियॉन्ड जाकर हम डेमोक्रेसी के ऑपरेशन को देख सकें। फॉर दिस वी नीड टू टर्न अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसके लिए हमें डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग देखना होगा। Sometimes we use democracy for organizations other than government. कई बार हम democracy को government के अलावा भी use करते हैं, जैसे organizations में हम democracy को use करते हैं। Just read these statements. तो देखो, अब हम ये statements पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि democracy सिर्फ government में ही लागू हो। democracy हर जगह लागू होती है, organizations में भी, हमारे घर में भी, हमारे schools में भी, हर जगह हम democracy लागू कर सकते हैं।
वी आर अ डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर डिसीजन हैज टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट द कंसेंसस। देखो, हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली में रहते हैं और जब भी हमें डिसीजन लेना होता है तो हम घर के सारे लोग बैठ जाते हैं और हम जो कंक्लूजन होता है, जो रिजल्ट होता है, उस पर अराइव करते हैं। माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। देखो, मेरे ओपिनियन का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे फादर के ओपिनियन का, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली में रहते हैं। हम अपने व्यूज़ रख सकते हैं अपने पेरेंट्स के सामने, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे डिज़ायर्स हैं, वो हम उनके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन क्लास। देखो, मैं इस तरह के टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ जो बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं कि वो अपनी क्लास में क्वेश्चंस पूछ सके या अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। हम ऐसे टीचर को पसंद करेंगे जिनका टेम्परामेंट डेमोक्रेटिक हो। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, एक लीडर और उसके फैमिली मेम्बर्स डिसाइड करते हैं हर वो चीज़ जो उस पार्टी में होनी है। हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे वो डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। दीज वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस, अ मैथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। तो देखो, जब हम इस तरह के वर्ड को डेमोक्रेसी में यूज़ करते हैं तो हम पीछे की बात को याद करते हैं कि डेमोक्रेसी मदद करती है डिसीजन लेने में। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। तो डेमोक्रेसी में जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम लेते हैं लोगों के विचार विमर्श करने के बाद, कंसल्टेशन में, यानी पहले हम लोगों से उनके विचार पूछते हैं और उसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं, क्योंकि सभी लोग उस डिसीजन से अफेक्टेड होने वाले हैं। Those who are not powerful have the same way in taking the decision as those who are powerful. अब देखो, जो पार्टी पावरफुल नहीं है तो वो पार्टी के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि उसे उस पार्टी के फेवर में डिसीजन देना पड़ेगा जो पावरफुल है। This can apply to a government or a family or any other organization. ये चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। देखो, फैमिली में भी अप्लाई होती है। जैसे पापा हमारे घर में सबसे पावरफुल होते हैं, तो उन्होंने जो बोल दिया तो उनके डिसीजन में हाँ मिलानी होती है। इसी तरह से कंट्री में भी होता है, गवर्नमेंट में भी होता है और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है कि जो ग्रुप पावरफुल होता है और जो कम पावरफुल ग्रुप होता है, तो कम पावर वाला जो मेजर पावरफुल ग्रुप है उसके साथ उसकी हाँ मिलाता है। Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. इसलिए डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हर स्फीयर ऑफ लाइफ में अप्लाई किया जाता है। Sometimes we use the word democracy is not to describe any existing government. देखो, कई बार हम डेमोक्रेसी वर्ड को यूज़ करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं, बल्कि टू सेटअप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ओल्ड डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम। लेकिन कई बार हम कुछ आइडियल स्टैंडर्ड सेटअप करना चाहते हैं जो एक डेमोक्रेसी में ज़रूर होने चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से आइडियल्स हैं। True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. तो देखो, पहला जो ideal standard हम put करते हैं वो क्या है कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए देश में, तो हम कहेंगे कि हमारे देश में democracy है। In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. अब देखो, डेमोक्रेसी तब मानी जाएगी जब हर इंसान को इक्वल रोल मिलेगा उसके डिसीजन मेकिंग में। For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and lot of commitment. अब देखो, हर इंसान को अगर
इक्वली इंफॉर्मेशंस दी जाएगी, इक्वल उनको एजुकेशन दी जाएगी, जो बेसिक एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, हर इंसान को अगर देश में मिलती है, हर बच्चे को अगर प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन, तो हम कहेंगे कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसने आइडियल स्टैंडर्ड सेटअप कर लिए हैं। यहाँ पर सबके रिसोर्सेज इक्वल होंगे, सबको इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे और कमिटमेंट हर किसी के लिए फुली कमिटेड होगी गवर्नमेंट, तो हम कहेंगे हमारी कंट्री के अंदर जो आइडियल स्टैंडर्ड्स हैं वो सेटअप कर लिए गए हैं। क्लियर? इफ वी टेक दीज आइडियल्स सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ आ डेमोक्रेसी। देखो, इन आइडियल्स को अगर हम सीरियसली लेते हैं तो हम कहेंगे कि संसार में कोई भी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस ऑफ वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को समझने के लिए जो ये आइडियल्स है, ये हमें ये रिमाइंड कराते हैं कि हम डेमोक्रेसी में कैसे वैल्यू करते हैं, अपने मोरल्स की, मोरल्स वैल्यू हम कैसे करते हैं। इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। ये हमें इतना कैपेबल बनाता है कि हम जज कर सकते हैं एक एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी को और हम डेमोक्रेसी की जो वीकनेस है उनको पहचान जाते हैं। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। इससे हमें ये भी मदद मिलती है कि हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये एक मिनिमल मीन्स नाममात्र डेमोक्रेसी है या गुड डेमोक्रेसी है। इसको ये डिफाइन कर दिया कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन वहाँ पर कोई भी आइडियल स्टैंडर्ड सेटअप नहीं किए गए हैं, तो उसे कहेंगे मिनिमल डेमोक्रेसी, और गुड डेमोक्रेसी कहेंगे जिस कंट्री में आइडियल स्टैंडर्ड्स सेटअप किए गए हैं तो वो होगी गुड डेमोक्रेसी। इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नॉशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस बुक में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में डेमोक्रेसी के बारे में। हमारा जो फोकस है वो क्या है कि सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो मेन मोटिव है, यहाँ पर बेसिक फीचर्स पढ़ने हैं डेमोक्रेसी के। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेज ऑफ इवेल्यूएटिंग अवर डेमोक्रेसी। तो अगले साल हम पढ़ेंगे कि हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ क्या होती हैं और कैसे हम इवेल्यूएट करते हैं अपनी डेमोक्रेसी को। ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट। तो इस स्टेज पर हमें इस चीज़ को नोट करने की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ, कि डेमोक्रेसी को हम कई स्फीयर ऑफ लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स, और डेमोक्रेसी के कई रूप हो सकते हैं। देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो डिसीजन टेकिंग में काम आते हैं। एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है कि हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो कंसल्टेशन में लेना है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। देखो, आज की जो फॉर्म है डेमोक्रेसी की, उसमें क्या है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रूल करते हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी है कि हम लोगों को इलेक्ट करते हैं और वो हमारे इंटरेस्ट के लिए हम पर रूल करते हैं। वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 4, ज़्यादा हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। बट इफ़ द कम्युनिटी इज स्मॉल, लेकिन अगर कम्युनिटी छोटी होती है, देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक डिसीजन और भी तरीके से लिए जा सकते हैं। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली। तो वहाँ पर डायरेक्टली डिसीजन ले लेते हैं, सब लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं और कोई भी बात डिसाइड करनी होती है वो डिसाइड कर लेते हैं। फेस टू फेस वहाँ इंटरेक्शन होता है। दिस इज़ हाउ ग्राम सभा वुड वर्क इन अ विलेज। देखो, गाँव में कैसे लोग डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं, तो वो बहुत ईजिली वो एक डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब ग्राम सभा में होता है, तो क्योंकि ये कम्युनिटी छोटी होती है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपको और वेज पता है कि कैसे डिसीजन लिया जा सकता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो आप हमें बताइए।
दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी. इसका मतलब ये भी है कि कोई भी कंट्री एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं रखती है. द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी. जो हमने फीचर्स डिस्कस किए हैं वो मिनिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं डेमोक्रेसी की. That does not make an ideal democracy. इससे हमारी democracy एक ideal democracy नहीं बनती है. Every democracy has to try to realize the आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. देखो, हर डेमोक्रेसी को ये रियलाइज़ करना होगा कि जो आइडियल्स है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को, उनको हम ट्राई कर सकें. लेकिन ये अचीव नहीं किया जा सकता है एक बार में सब लोगों के लिए. दिस रिक्वायर्स constant effort to save and strengthen democratic form of decision making. तो ये एक लगातार efforts हमें करने होंगे और तभी हम strengthen कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं जो हमारी democratic form है decision making की, उसको मजबूत कर सकते हैं. What we do as citizen can make a difference to making our country more or less democratic. देखो, हम citizen के रूप में हम अपनी country को more democratic भी बना सकते हैं और लेस डेमोक्रेटिक भी बना सकते हैं. दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेस भी होती है. द फेट ऑफ कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजंस डू. हमारी कंट्री का जो भाग्य है वो इस बात पर निर्भर नहीं होता है कि हमारे रूलर क्या करते हैं, बल्कि हम एज आ सिटीज़न क्या करते हैं, हम अपनी कंट्री के लिए एज आ सिटीज़न क्या करते हैं. दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट. तो यही चीज़ है जो हम डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू पार्ट इन पॉलिटिक्स. देखो, दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, इनमें क्या होता है कि सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में अलाउ ही नहीं किया जाता है. In fact, most non-democratic government would like citizens not to take part in politics. वो चाहते हैं कि जो citizens है वो politics से दूर रहें, वो part ही ना ले politics में. But democracy depends on active political participation by all the citizens. लेकिन एक democracy में active participation होता है citizens का. That is why a study of democracy must focus on democratic politics. इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसको फोकस करना चाहिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर. क्लियर? तो ये आपका चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है. जो इसके प्रीवियस पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं उनके लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप ये चैप्टर स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ सकें. ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको क्लियर करवाऊंगी.